हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, अभी भी हम गांव में मॉर्निंग वॉक ही कर रहे हैं, तो देखते हैं ये है झलकियां और आगे वीडियो। निकला है आलू, इसे देखो, इसे कितना लाल लाल छोटा छोटा, इसे बड़ा अभी थोड़ा सा और छोड़ देते ना, ये सब बड़ा बड़ा हो जाता है, बाकी बड़ा चलते चूहा जैसे इतना बड़ा है, सब पर नुकसान कर रहे हैं पूरा, ये चूहा इधर का आलू इधर से, अरे साला चूहा हरामी है, देख रहे हैं पूरा ऐसा है। हाँ, अच्छा बिल, हाँ हाँ बिल, ये सब बिल बनाया हुआ है, पुच्छो रहता है वो का नाम है, गेहूँ रहता है वो भी ले जाता है, उसके बाद का नाम है धान रहता, धान भी पूरा ले जाता सारा वो। अच्छा आई हुई नदी में तो कुम्भी कहाँ है, देखिए बाप रे बाप, ये वो आलू न रहने, चूहा बिल किया ये, बाप एक भी आलू नहीं हुआ, ऐसा ही साथ ओ भाई साहब, कितना बड़ा बिल है ये तो, अरे बड़ा मोटा चूहा होगा इसमें, एक भी आलू, अरे एक भी आलू है नहीं, मोटा चूहा होगा इसमें तो, फिर उसी में कोने है छोटा छोटा भी लट्टी है, जहाँ पे नहीं लगा हुआ वहाँ पे ना हो ना खोल रहा था, बर्बाद कर दो तो फिर कोई फायदा ना रोपेगे, जे ही निकल तो ठीक है। आलू की खेती में लग जाते हैं चूहे, तो वो हमने आपको दिखाया कि कैसे खोल करके वो आता है और आलू लेकर चला जाता है। ये भी लंबा होगा, हाँ ये बड़ा, इसके दाने आएंगे, दाने आने का टाइम, तो ये तो बहुत छोटे छोटे प्लांट, और ये है तीसी, तीसी हाँ ये तीसी है, ये ठीक है, ये मसूर, ये तीसी है, ये तीसी का पौधा, ये तीसी अलसी, हाँ वही, तुम आई क्यों, तुम आने के लिए बोला, अब वो बीच में पिंक कलर का जो फूल है वो कौन सा पौधा, मटर है, मटर, ये पिंक कलर का फूल मटर में आता है, अब पर्पल कलर का फूल जो आएगा वो तीसी में आता है, वो तीसी, अलसी, ये करैया है, करैया मतलब इसका भी ढाल बनता है, इसका वो होता है ना, वो फूल के साथ में बहुत टेस्टी लगता है, इस नदी में ये बहुत जंगल है, चलिए ना थोड़ा उधर से, अभी उतना ऊंचा कैसे चढ़ेंगे, हम तो उधर से चढ़े थे, इतने छोटे छोटे चीज पर हम चल रहे, देखो कितना छोटा, इतने ही छोटे में चल रहे, अगर हम बाकी पे चढ़ेंगे तो प्लांट टूट जाएंगे, दैट्स व्हाई, हाँ जो बड़े बड़े पौधे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक है इसने वो डाला हुआ है ना खाद, वो हाँ वो डाला, राख डाला हुआ, राख, राख? राख चूहा बिन कर लिया हो, बोलते हैं राख कहीं खाद होता है, आयरू के सूज का तो हालत खराब है, ठीक है हाँ, ये पेड़ है, इसको अगर निकालेंगे तो इसमें बहुत आलू होगा, देखिए छोड़ 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 दीजिए, ये बड़े पौधे हैं, अरे हाथ मत लगाइए, अरे हाँ बहुत बड़े बड़े आलू, मत निकालिए यार, किसी और का पौधा है, ये बड़े पौधे तो इसमें ढेर सारे 250 ग्राम आलू निकलेंगे, फिर तो यार आलू की खेती भी ठीक ठाक है, बट अगर चूहे ना सरसों का फूल, आई थिंक सबको याद होगा क्योंकि मैंने उसको पहचाना था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो काजुल खड़ी होती है सरसों के फूल में, तब सबने बताया था कि सरसों का फूल है, तब समझो वो याद है, ये डिवाइडर होता है ना इन लोगों का, ये डिवाइडर होता है, इसको गाँव में आड़ी बोलते हैं, ये डिवाइड करता है एक की ज़मीन से दूसरे की ज़मीन को, और मेरा पैर वो हो चुका है पानी पानी वाला, जितने भी ओस हैं उन सब से, ये भांग का प्लांट है, भांग, हम भांग, अरे यार देखो ये भांग का प्लांट है, इसको खा करके ये तो भूलू हर जाएगा, हाँ तुम खा के देखो, दिमाग खराब है क्या मेरा, भांग एक निकाल लीजिए ना घर में, भांग है, दिमाग खराब है, भांग खाते हैं नशा होता है वो, अरे मैं चेक करूंगी ना सही, ये है भांग, देखो दो ना मुझे अभी नहीं खाऊंगी, तो क्या इसको सुखा के, यार तो भांग इसने क्यों किया, ये तो इलीगल है यार, अबे वो खुद से हो गया, किया नहीं है खुद से हो गया वो, अच्छा अब ऑटोमेटिक हो जाता है, ये भांग का पेड़ है, इसमें तो काफी सारे भांग के पेड़ हैं, ये क्या है, मैं वैसे अगर 2-3 बार आई ना तो मैं पहचान जाऊं, पकड़िए
माय गॉड कितना वो है। नहीं आई डोंट नहीं खाते भांग, वो इलीगल होता है, नशा होता है वो। चेक करूंगी, चेक करूं, सुना इसको चेक करेगी ये वाला। यार अब तो घर ही नहीं है, सिर्फ गांव गांव खेत खेत है। ओके मौसम कितना अच्छा लग रहा है, यू कैन सी दिस।